हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अपने M2R5 मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के 6 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे, अब हमारी जो मैराथन स्टार्ट हो रही है वो हमारी स्टार्ट हो रही है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स पे, जिसमें आपको डेली 2 क्लासे मिलेंगी 100-100 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज से हमारी एक क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिन आप लोगों को लगातार देखना है। एक टाइम आप लोगों को 2 बजे देखना है, दूसरा टाइम आप लोगों को रात के 9 बजे देखना है। डेली आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और हमारे एग्जाम को भी आज से 3 दिन ही रह गए हैं, 11, 12, 13। 3 दिन में मैं आपको 600 क्वेश्चन और प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को लगातार देखना है। इसका टाइमिंग एक रहेगा हमारा आफ्टरनून 2 बजे और दूसरा रहेगा नाइट में 9 बजे, ठीक है। तो देखना ना भूलें, आज हमारा डे नंबर 1 है, ओके। तो जिन्होंने अभी तक M2R5 की भी क्लासेस नहीं देखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा कौन से एग्जाम की तैयारी हो रही है हमारी, जो हमारा 14 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइम 2 बजे दे रहा हूं और नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे रात के 9 बजे, ओके। तो जो लोग भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो तैयारी हो रही है बहुत ही शानदार तैयारी आप लोगों की करवाई जा रही है, बस आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना मैंने आपको मटेरियल दे दिया है प्रीवियस क्लासेस का, सबको अच्छे से देख के 14 तारीख को आप लोग बहुत ही अच्छा सा एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, M1R5 महामैराथन क्लास हमारी, ठीक है। आज हमारा डे नंबर 1 है, ओके। जो लोग भी पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक करें वीडियो को, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट करें, ठीक है। और बाकी कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो स्पीड इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इस वजह से। चलिए, लेकिन इस क्लास में मैं थोड़ा सा स्पीड का अपना ध्यान रखूंगा, ओके। वैसे भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों की फीडबैक देख के। इसी तरह आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए। और जो भी टॉपिक आपको पूछना हो, जो नई क्लास आप चाह रहे हो किस टॉपिक की, अगर आप लोगों को लैंग्वेजेस पढ़ना हो तो लैंग्वेजेस की भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इस चैनल पर सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलते अपनी क्लास की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिग डेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कौन सा बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि डेटाबेस वगैरह स्टोर होता है तो ओरेकल होता है, ठीक है, साइबेस होता है, SQL होता है। तो यहाँ एक बिग डेटा की बात कर रहा है। बिग डेटा किस तरह का डेटा होता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इसमें क्या है, डेटा बहुत होता है। इनका डेटा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है, देखिए हडूप एक डेटाबेस है, स्पार्क भी है, काफका भी है, बस पाइटॉर्च क्या है, अपाचे पाइटॉर्च, जो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहने वाला है, इसका रहेगा जो हमारा आंसर वो रहेगा हमारा अपाचे पाइटॉर्च टेक्नोलॉजी, ओके। तो आंसर रहेगा हमारा पाइटॉर्च, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर की इज यूज टू सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट, ठीक है, किस की का यूज करते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट को करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है। ये जो हमारा MS वर्ड में होता है, ऐसी लिब्रे ऑफिस के लिए शॉर्टकट की पूछ रहे हैं। MS ऑफिस की शॉर्टकट की क्या होती है, आप लोग यहाँ पे कर्सर लाइए, क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस इक्वल हम लोग प्रेस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, वेब एड्रेस को हम लोग और क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, URL, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है। तो किस की के द्वारा हम लोग ये काम करते हैं, वो हमारा आंसर आएगा F2 के द्वारा हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टाइप ऑफ VR एलिमेंट, ओके, अ टाइप ऑफ VR एलिमेंट इन विच सब्जेक्ट्स आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है हमारा, इमर्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैलसी अ फंक्शन शुड स्टार्ट डैश, ठीक है। तो हम लोग जब लिब्रे ऑफिस कैलसी या एक्सेल की बात कर रहे हैं तो कोई भी फंक्शन किससे स्टार्ट होता है हमारा, इक्वल साइन से, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लगा इक्वल टू सम, इक्वल टू काउंट, काउंट इफ वगैरह, इस सब की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच साइन इज विजिबल व्हेन देयर इज अ फॉर्मुला एरर इन लिब्रे ऑफिस कैलसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मुला वगैरह एरर हो गई है तो कौन सा साइन दिखता है, हैश का सिंबल लग के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू, ठीक है। रूलर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो रूलर है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि किस मेन्यू में हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में मिलेगा, तो वो आंसर रहेगा इसका व्यू मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टू ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस आर यूज टू स्पेसिफाई कलर, ठीक है, किस ऑप्शन के द्वारा करते हैं, RGB CMYK के ऑप्शन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, किस शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस P शॉर्टकट की से हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेटस बार फॉर लिब्रे ऑफिस, क्या प्रेजेंट नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो नेम ऑफ द कंप्यूटर, पेज नंबर, कैरेक्टर या नन ऑफ दीज, तो जो आंसर इसमें क्या रहेगा, नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रेजेंट नहीं होता है। ये तो बिल्कुल अलग ही आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये तो कोई रिलेट ही नहीं करता है किसी भी सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर का नेम प्रिंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, देखिए बस टोपोलॉजी होती है, रिंग होती है, स्टार होती है, लेकिन पीसी टू पीसी कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल एड्रेस और नन। देखिए इंटरनेट और इंटरनेट, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख के लगाइएगा एग्जाम में, तो क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर यूज होता है, मॉडेम यूज होता है, प्रिंटर यूज होता है, केबल यूज होता है, तो पूछ रहा है कौन सा यूज नहीं होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या होगा, मॉडेम, ठीक है, क्योंकि मॉडेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ठीक है, सीपीयू के बारे में पूछ रहा है किनसे बना हुआ हमारा, तो कंट्रोल यूनिट एंड एआईयू, क्योंकि तीन होती है, मेमोरी यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, ओटीपी इज सेफ बिकॉज, ओटीपी सेफ क्यों है, क्योंकि इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ठीक है, जैसे कि मानिए चलिए आप लोग जानते भी मोबाइल पर ओटीपी आता है, तो जैसे 30 सेकंड के लिए वैलिड होता है, कुछ ओटीपी हमारा 1 मिनट के लिए होता है, कुछ 10 सेकंड के लिए होता है, तो क्या है बार बार अगर हम लोग मान चलिए अगर हमने गलत कर दिया है तो फिर से जनरेट हमें करना पड़ता है, तो ये क्या है डिफरेंट होता है, हर एक एक्सेस में अलग अलग रहेगा, क्योंकि अगर मान के चलिए हम लोग क्या है डालना भूल गए तो क्या होता है रीसेंड, तो हम लोग जब रीसेंड करते हैं तो हमारा चेंज होके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है हमारा, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, तो जो होता है .ott, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे डॉट भी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट, क्योंकि ये डॉट हमारा डी का है, ये आएगा .ott, ये हमारा फाइल एक्सटेंशन का यूज होता है टेम्पलेट के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम जूम इन कैलसी, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैलसी में मिनिमम जूम हमारा कितना रहता है, तो वो रहेगा 20 और मैक्सिमम होता है 400, ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अच्छे से आप लोग इनकी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम डिफॉल्ट साइज कितना होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसका पूछ रहे हैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट का पूछ रहा है यहाँ पे, तो फॉन्ट का जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, हमारा मिनिमम रहेगा 6 और मैक्सिमम होता है 90, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे वर्ड का ले जाएंगे तो वर्ड का अगर हम लोग मैक्सिमम देखेंगे तो वर्ड का कितना आ रहा है 72 और मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ओके, तो इसी तरह से उसमें क्या होता है 6 और 96 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की पूछी जा रही है फुल स्क्रीन की, तो क्या होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यूजुअली सिग्नेचर अपियर एट विच प्लेस इन द ईमेल, ठीक है, तो कहां पे एक्चुअली सिग्नेचर लाइन की बात हो रही है लेकिन ईमेल में, तो ईमेल में जो सिग्नेचर होते हैं हमारे कहां पे दिखते हैं, बिल्कुल हमारा एंड में दिखता है, एट द एंड, अगर हम लोग उसको एक्टिवेट करते हैं तो एंड में आएगा वो हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैलसी, ठीक है, तो कौन सी इसमें मोस्ट कॉमन है, तो यहाँ पे जो आंसर पूछा जा रहा है इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या होगा, एरर चेकिंग, ठीक है, वन मिनट, क्वेश्चन में क्या था हमारा, दिस इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन, एक्चुअली लिमिटेशन की बात हो रही है लिब्रे ऑफिस, तो जो रहेगा हमारा द ट्रैप टू फिक्स्ड वैल्यू, ये रहेगा इसका, ठीक है, एरर चेकिंग तो होता ही है, तो इसका जो आंसर रहेगा द ट्रैप टू फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है, तो शॉर्टकट की हमसे पूछी जा रही है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहां लिखा है, जहां लिखा होगा वही हमारा आंसर रहेगा, तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन बी एडेड इन द स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है, तो कितने हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो हमारा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये इसको हाईलाइट कर दिया 4। यहां से देखिए M1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोगों को वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आप लोग वेबसाइट से भी पढ़ लीजिए, careersknowledge.in वेबसाइट पे कंप्लीट लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
वेयर फुटनोट इज लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, फुटनोट की बात करें तो फुटनोट हमें कहां मिलेगा, सबसे एंड में, तो बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इटैलिक एंड बोल्ड कमांड आर फाउंड इन विच मेन्यू। ठीक है, तो ये तो देखिए फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बात होती है, तो हमेशा किस में मिलेगी, फॉर्मेट मेन्यू में। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ऑरिएंटेशन। पोर्ट्रेट होता है, स्लाइड नहीं होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बोर्ड, ठीक है, दोनों हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल। ठीक है, कौन सा इसमें टाइप ऑफ कर्नल नहीं है, वो रहेगा स्कॉट कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एडिटिंग द मैक्रो इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, हमारा लोड बेसिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन इन इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इंसर्ट हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, टच पैड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो सभी को पता है मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, तो जो आंसर रहेगा इसका हमारा क्या रहेगा, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द कोर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो जो कोर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट जो लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉन्ट होता है वो होता है हमारा 11। जैसे इसका क्या होता है बाय डिफॉल्ट, सॉरी इसमें हमारा 11 होता है, और जो लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना होता है, 12 होता है। वर्ड का पूछे तो 11 लगाना है, और अगर हमसे लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछे तो 12 आंसर लगाना है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग 1। ठीक है, तो हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस 1। ऐसी अगर 2 के लिए पूछ लिया जाए तो कंट्रोल प्लस 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी पूछ लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 में, तो ये कंट्रोल के साथ नंबर्स ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर का, यहाँ पर पूछा इज द वैल्यू ऑफ इक्वल टू राउंड इज दिस, तो ये होता है हमारा 200, राउंड कर देगा ये हमारा आगे की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्टरी हमारे कंटेन करती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये पूछ रहे हैं बिन, रूट, डेव या etc। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा इसका हमारा रहेगा जो कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर रहेगा इसका हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइज ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द बिग डेटा। ठीक है, किस साइज का डेटा को जो बिग डेटा बोलते हैं, देखिए जीबी, एमबी, एमबी, ये भी हो गया, ये मेगाबाइट, मेटाबाइट कुछ होता नहीं है, ये होगा पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट का डेटा को हम लोग बिग डेटा बोलेंगे। नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज फाउंड इन विच मेन्यू। ठीक है, किस मेन्यू में मेल मर्ज ऑप्शन मिलता है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, और मेल मर्ज होता गया है जब हमें एक ही लेटर को मल्टीपल टाइम्स या एक ही डॉक्यूमेंट को किसी मल्टीपल पर्सन को भेजना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो किस में मिलता है हमारे लिब्रे ऑफिस में, टूल्स मेन्यू में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ब्रॉडबैंड इज यूज्ड फॉर द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट इज मॉडर्न राउटर एंड यूजेस द। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगा लीजिए इसका, यही आंसर रहेगा, यही करेक्ट है। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 43 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव कैलसी स्प्रेडशीट। ठीक है, कैलसी स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, तो वो होता है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैथ के बारे में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो कैलसी एज अ सॉफ्टवेयर है, बाकी यहाँ पर इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। इन लिब्रे ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सॉफ्टवेयर, तो हम लोग का जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, क्योंकि मैथ कुछ होता नहीं है। ठीक है, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता नहीं, एक्चुअली ये राइटर नहीं है। ठीक है, ये राइटर नहीं था, यहाँ पर ये था हमारा राइट रहेगा, तो राइट कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहीं पे पूछा कि कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में एज अ यूज करते हैं, तो कैलसी हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिफॉल्ट द नेम और नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ 7 नहीं है, ये इसका ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, व्हाई डिफॉल्ट जो रहेगा इसके हमसे ये पूछा जा रहा है, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा टाइटल स्लाइड आती है जब भी हम लोग कभी भी, चाहे इसको हम लोग ओपन करें एमएस ऑफिस पावर पॉइंट को, या फिर इसमें भी हम लोग ओपन करें किसमें, लिब्रे ऑफिस में, तो जो बाय डिफॉल्ट आती है वो क्या आती है, हमारी टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन नोन एज, ठीक है, एक्चुअली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, या यहाँ पे मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन ऑल नेटवर्क, तो आंसर क्या, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैक्सिमम जूम साइज पर्सन पॉसिबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम, तो यहाँ जो मैक्सिमम रहता है वो होता है हमारा 600, यहाँ पे राइटर की बात कर रहा है, कैलसी होता तो 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर। ठीक है, कौन सा मेथड नहीं है डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर का, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर रहेगा क्या, यूपीआई, क्योंकि यहाँ पर हमारा उसका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ फॉर्मूला स्टार्ट विद सिंबल इन लिब्रे ऑफिस कैलसी। ठीक है, इसमें भी यही होता है, कैलसी में भी यही होता है, और एमएस एक्सेल में भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, मैन, वैन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है करेक्ट टाइप
कौन सा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो तीनों ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रियोफिस राइटर, लिब्रियोफिस राइटर में कितनी मेन्यू फाइंड होती है, तो आंसर आएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन की इज यूज फॉर स्पेल चेक इन लिब्रियोफिस कैल्सी, ठीक है, स्पेल चेक इन लिब्रियोफिस राइटर, ठीक है, राइटर की बात हो रही है तो राइटर में कैसे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो F7 से ही करते हैं राइटर में, ठीक है, इसमें भी करते हैं, वर्ड में भी उसी से करते हैं, और हम लोग किस में करते हैं, वर्ड में और राइटर में भी हम लोग उसी से करते हैं, ठीक है, चाहे लिब्रियोफिस राइटर हो चाहे एमएस वर्ड हो, दोनों में ही हम लोग F7 से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिब्रियोफिस सूट, ठीक है, कौन कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर रहेगा एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू द लिब्रे ऑफिस, ठीक है, तो देखिए डॉट ओडीटी, डॉट ओडीएस, ओडीपी, यहाँ पे डॉट आरटीएफ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट इंस्टेंट मैसेजिंग, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, या यहाँ पूछ रहा है इंस्टाग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट चूज करना है, तो करेक्ट क्या रहेगा हमारा, टेलीग्राम। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि ये हमारी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, और ये हमारा क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, विच कमांड यूज टू रिमूव फाइल इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो किस कमांड का यूज करते हैं हम लोग, आरएम कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्प्रेडशीट क्रिएट अ न्यू कैल्सी बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कैल्सी में देखा जाए तो कितनी होती है हमारी, ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये कैल्सी है, ओके, तो जो हमारा इसमें आंसर रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा इसमें हमारा, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या, हाउ मेनी स्प्रेडशीट क्रिएट न्यू कैल्सी बाय डिफॉल्ट, ठीक है, न्यू कैल्सी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट। वन मिनट, यहाँ पे आपको का आंसर बिल्कुल सही है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो चाहे यहाँ पे ये लोग लिब्रे ऑफिस कैल्सी की बात करें या फिर ये लोग एमएस एक्सेल की बात करें, आंसर हमारा सेम रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितना ओपन करते हैं हमारे, तीन हमारे यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, जैसे हम लोग कैल्सी ओपन करते हैं तो कितना होता है, थ्री सीट्स हमारी ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन एड टू अ स्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कितने व्यूज हम लोग एड कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता है फाइव व्यूज हम लोग यहाँ पे एड कर सकते हैं किसी भी स्लाइड में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है 59 का, व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या, टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन पी2पी नेटवर्क, सेंट्रलाइज्ड लेजर, या करेंसी, ठीक है, तो देखिए क्रिप्टो करेंसी हमारे एक्चुअली बिटकॉइन की बात हो रही है, जिसको हम लोग डिजिटल करेंसी भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन पी2पी नेटवर्क, क्योंकि ये हमारा पी2पी नेटवर्क पे काम करती है, यहाँ पर जब जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, तीन पार्टियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और ये हमारी सबसे सिक्योर मानी जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट डायलॉग, देखिए ये तो बहुत ही इजी है, कंट्रोल प्लस पी आप लोग प्रेस करोगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, कंट्रोल प्लस एक्स से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल वर्ड और उसके बिल्कुल सेम चलती है, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कंट्रोल प्लस एक्स से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, और कंट्रोल प्लस सी से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द वेब ब्राउजर, गूगल, याहू, जीमेल, या ओपेरा, यहाँ पे पूछा गूगल क्या है, सर्च इंजन है, याहू क्या है, सर्च इंजन है, जीमेल हमारा है नहीं, तो जो ब्राउजर रहेगा वो क्या रहेगा, ओपेरा हमारा ब्राउजर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू ओपन द फाइल फॉर ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, तो आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस वन से हमारा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 63 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो 64 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है विच की इज यूज्ड टू इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, किस की के द्वारा हम लोग, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिविजन, इज जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, तो डिवीजन बाय जीरो एरर के बारे में बात हो रही है, एक्चुअली ये लैंग्वेजेस में आती है इस तरह की एरर, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो रहेगी डिवीजन बाय जीरो एरर, ठीक है, डिव और बाय जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिवीजन बाय जीरो एरर, वन मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर हम लोग जो इंडिकेट करते हैं, इसमें जो इंडिकेशन होगा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ इंडिकेशन होगा, तो यहाँ पर जो रहेगा आंसर वो रहेगा हैश डिव और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है, कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, या ऑल, तो जो आंसर रहेगा इसका हमारा वो रहेगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है, तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीपी। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ, तो जो एग्जाम्पल है हमारे हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू आर मीन्स, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, जहां पर भी आंसर होगा वही हमारा सही रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग विच की इज यूज टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस. ठीक है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कैसे ओपन करते हैं, तो जो शॉर्टकट की रहती है वो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है. ओके, ये होगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ. जी हम इससे इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द डिफॉल्ट फाइंड नेम इन लिब्रे ऑफिस. तो जो डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है हमारा, अनटाइटल्ड वन. तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अनटाइटल्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टोटल चार्ट आर इन लिब्रे ऑफिस कैलसी. ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैलसी में कितने टोटल चार्ट होते हैं, तो वो होते हैं 10. नेक्स्ट, इन ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग विच पेमेंट मेथड यूज टू इमीडिएट ट्रांसफर. ठीक है, तो किसके द्वारा इमीडिएट ट्रांसफर होता है हमारा, ये आपको IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस. नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू ऐड बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर. ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है किस कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट मतलब बुलेट वाली लिस्ट बनाएंगे, तो शिफ्ट प्लस F12. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस. ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की होगी हमारी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V. नेक्स्ट, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहां लिखा होगा वही हमारा आंसर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, प्रोवाइडर्स पे भी आप लोग क्लिक मत करना, प्रोवाइडर ही होगा वही उसी आपको क्लिक करना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर्स भी दिया हुआ है, जबकि होता क्या इंटरनेट सर्विस, वन मिनट यहाँ पर एक्चुअली गलत हो गया, सोर्स पे क्लिक हो गया, वन मिनट, ये आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन थोड़े से सेम है, बाय मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यही चीज थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान लगाना है कि एकदम से नहीं करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शंस भी पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को आंसर लगाना है. ठीक है, तो 76 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट आ जाते हैं 77 नंबर पे, ऑल्ट प्लस पेज डाउन की इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन स्लाइड. ठीक है, तो किस इफेक्ट के लिए यूज होती है, तो वो होती है हमारी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट. ठीक है, तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन है, इफ सेंड ईमेल इज नॉट इन सेंडर सेंट बॉक्स द ईमेल द इनबॉक्स ऑफ रिसीवर देन वेयर इट कैन बी. ठीक है, तो ये तो आपको कहां मिलेगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मिलेगा ड्राफ्ट में. मान के चलिए कोई ईमेल सेंड नहीं हुआ है, तो आखिर हमें कहां मिलेगा, ड्राफ्ट में मिलेगा. इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव डैश कैन नॉट बूट. ठीक है, क्या नहीं होगा, तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो ये आंसर बहुत ही सिंपल सा आंसर है. इसका आंसर क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कैसे बूट होगा. तो इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बूट. ठीक है, तो 79 नंबर का आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू परफॉर्म द स्पेलिंग चेक. ये भी हमारा डबल टाइप हुआ है. ठीक है, पहले भी कर चुके हैं, F7. नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द सर्च इंजन. ठीक है, कौन सर्च इंजन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, विकिपीडिया या गूगल. तो देखिए तीनों तो सर्च इंजन है, विकिपीडिया कोई सर्च इंजन नहीं है. तो 81 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शॉर्टकट की फॉर डिलीटिंग द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैलसी. किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो जो आंसर रहेगा वो होगा कंट्रोल प्लस माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन. ठीक है, लिब्रे ऑफिस किस पे वर्क करता है, विंडोज पे चलेगा, लिनक्स पे चलेगा, मैक पे चलेगा या ऑल पे चलेगा. तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा सभी प्लेटफॉर्म पे चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन जो थेसारस इन लिब्रे ऑफिस. ठीक है, तो कहां पर हमें ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो जो आंसर रहेगा वो मिलेगा हमें टूल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम. इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है. ठीक है, क्या रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो आंसर क्या रहेगा हमारा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, AEPS स्टैंड फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. जहां लिखा होगा वही आंसर है, तो ये हमारा थर्ड पे लिखा है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमें डैश की यूज फॉर रेडो. कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है, कंट्रोल प्लस वाई से रेडो होता है. विच एरर कोड इंडिकेट द मिसिंग इक्वल साइन. ठीक है, पूछ रहे हैं किस एरर कोड के द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि इक्वल साइन हमारा इसमें मिसिंग है. तो जो आंसर रहेगा इसका, जो आंसर रहेगा क्या रहेगा हमारा, 509. ठीक है, 509 या 509. तो 88 नंबर जो क्वेश्चन, उसका आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू मैनेज द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर. ठीक है, किस की के द्वारा हम लोग मैनेज करते हैं, तो आंसर रहेगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के द्वारा हम लोग मैनेज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लॉग. ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग क्या होता है, इट कैन बी अ वेबसाइट और वेब पेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे फीचर्स पूछ रहा है. इट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है. इट इज हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है. इट इज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है. तो आंसर क्या रहेगा, ऑल.
नेक्स्ट है डेस्क इज यूज फॉर द लाइन ब्रेक इन लिब्र ऑफिस राइटर विदाउट पैराग्राफ चेंज, ठीक है, किस की का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन ब्रेक होगा। नेक्स्ट है विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्र ऑफिस राइटर पोर्ट्रेट स्लाइड, तो आंसर क्या रहेगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजी लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट, ठीक है, डिजी लॉकर की यहाँ पे बात पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही। इट इज अ डिजी लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए। नेक्स्ट है इट अलाउ यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिजिकल लोकेशन, तो पूछ रहा है वन ओनली, यहाँ पे पूछ रहा है बी सेकेंड ओनली, यहाँ पे पूछ रहा है सी बोथ वन एंड सेकेंड, और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है हमारा डी, तो जो डी के बारे में पूछना है तो आंसर इसका क्या रहेगा, आप लोग समझ गए होंगे, दोनों ही चीजों के लिए बेटर है, दोनों ही चीजों में यह है, देखो गवर्नमेंट द्वारा भी हो और अगर हम लोग फिजिकल ऑक्यूमेंट नहीं लिए हो तो भी हमारा ये काम करता है, तो जो आंसर क्या रहेगा इसमें हमारा बोथ वी वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 94 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। विच शॉर्टकट की यूज फॉर रिस्टोरिंग द रिफ्रेशिंग द व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट आफ्टर चेंजिंग द एंटी अलियासिंग सेटिंग इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, तो जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इसमें शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको शॉर्टकट की थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमटीपी और लिब्रे ऑफिस की ज्यादातर शॉर्टकट की में आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जबकि वर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है एसएमटीपी, तो जहां पर लिखा होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वही हमारा रहेगा, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि हमारा 96 में बी पार्ट पे लिखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइन गिवन अबव द टेक्स्ट, ठीक है, तो कौन सी लाइन गिवन होती है टेक्स्ट के अबव, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 97 क्वेश्चन हो चुके हैं तो इसका रहेगा ओवर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो कौन हमारे डिटरमाइन करके देता है, रिहर्सल टाइम, स्लाइड टाइमर, स्लाइड टाइमिंग टूल या स्लाइड टूल, तो जो आंसर देगा क्या रहेगा, रिहर्सल। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है व्हाट इज द मैक्स साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल, ठीक है, कितना हम लोग मैक्सिमम साइज अटैच कर सकते हो, 25 MB ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर जीमेल ईमेल एड्रेस, ठीक है, abc@gmail.com, abc@ abcgmail@gmail.com, ठीक है, बहुत इजी आंसर है abc@gmail.com, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर 100 क्वेश्चन आज की अपनी जो हमारी यहाँ पे चल रही थी महामैराथन 3 दिन लगातार चलेगी और 3 दिन आपको कंप्लीट 2-2 क्लासे मिल गई और 13 तारीख तक आपकी पूरी खत्म कर दूंगा मैं, 600 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, और मैंने आज अपनी स्पीड का भी थोड़ा सा ध्यान रखा है, काफी स्लो पढ़ाया है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप लोग सेटिस्फाई हो वीडियो का है, कितना भी बड़ा हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्लो पढ़ाने की और आई होप आप लोगों को भी क्लास अच्छी लगी होगी, तो जो लोग भी चैनल पर नए आए थे वो वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए आए थे वो सब्सक्राइब करके जाए, जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को लाइक करके जाए, एक प्यारा सा कमेंट करें, मिलते हैं रात के 9 बजे नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।